ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गोविंद सिंह अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कमलनाथ ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। एआईसीसी ने पत्र जारी करके ये जानकारी दी है। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या दो पद पर आसीन कमलनाथ किसी पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन अब बात साफ हो चुकी है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कमलनाथ बने रहेंगे, पीसीसी चीफ वो बने रहेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। अब गोविंद सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो लहार से कांग्रेस विधायक हैं गोविंद सिंह, एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है कमलनाथ ने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। कुछ दिनों पहले ही अटकलें तेज थी और लगातार बंसल न्यूज भी कह रहा था कि जल्द ही फेर बदल हो सकता है, कुछ बड़ा कांग्रेस में हो सकता है। लगातार आलाकमान से कमलनाथ मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। 25 दिनों में 3 बार सोनिया गांधी से मुलाकात भी की और अब देखिए फैसला लिया गया है और पीसीसी चीफ कमलनाथ अब सिर्फ पीसीसी चीफ पद संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब वे नहीं निभाएंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कैसे हुआ ये सब समझना चाहेंगे, लेकिन लगातार हम देख रहे थे दो पदों पर आसीन कमलनाथ को बार बार तंज कसा जा रहा था सरकार की ओर से भी, और यही सब इंतजार कर रहे थे कि क्या एक बड़ा डिसीजन कमलनाथ लेंगे, क्या दोनों में से एक पद को वो चुनेंगे। लेकिन अब देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष के पद को उन्होंने छोड़ दिया है, अब सिर्फ पीसीसी चीफ का प्रभार वो संभालेंगे, पदभार। बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है कि कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पद यानी विपक्ष के नेता पद से, लेकिन वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसका मतलब यही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे 2023 से पहले और स्वतंत्र रूप से पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है। 4थी बार अभी मुलाकात हुई थी और उसी दिन लगभग ये तय हो गया था कि विपक्ष के नेता से कमलनाथ अपना पद छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी गोविंद सिंह को सौंपी गई। डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार इस पद को लेकर कहते रहते, कई तरह के उनके बयान हमने दिखाए हैं बंसल न्यूज पर और वो इच्छा भी रखते थे क्योंकि लंबा अनुभव है। मनोज जी, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह से लगातार अटकलें तेज थी कि क्या कमलनाथ दोनों पद पर आसीन रहेंगे या एक पद से इस्तीफा देंगे, अब स्थिति जो है साफ हो चुकी है और हम देख पा रहे हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष के पद को उन्होंने छोड़ दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह अब ये पदभार संभालेंगे। देखिए, बहुत साफ है, ये बहुत यही होना था जो हुआ, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि आखिर नया नेता प्रतिपक्ष कौन होता है जी। और हमने देखा कि उसी ग्वालियर चंबल रीजन से मौका मिला है जहां से कांग्रेस को चोट पहुंची थी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तो एक अच्छी रणनीति का परिचय देने की कोशिश की गई है, क्योंकि गोविंद सिंह ही एक ऐसी चॉइस थे जो उस रीजन में अपने स्तर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं वो सिंधिया जी की जो वैक्यूम बना है उसको भरने के लिए। और कमलनाथ ने जिस तरह से रिसेंटली भी संकेत दिए थे और विधानसभा में उनकी उपस्थिति कम से कम रही थी क्योंकि उनके जिम्मे बहुत सारे काम है और इन सारे दायित्वों की वजह से उनके लिए यह बहुत कठिन होता था कि विधानसभा सत्र के दौरान वो विधानसभा में लंबा लंबा समय बैठें और चर्चा करें, और इसी की वजह से कांग्रेस निशाने पर भी आती थी बीजेपी के कि कमलनाथ जी समय नहीं देते हैं। तो एक सही निर्णय है और कांग्रेस अब बड़े फैसलों की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल शरद जी, एक और एंगल इसमें देखा जा रहा है और लगातार हम ये भी देख रहे थे कि अलग अलग यहाँ पर पलटवार भी सामने आ रहे थे। जिस तरह से कमलनाथ ने जो विधानसभा की कार्यवाही होती है उसको बकवास कहा था, उसके बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे ये बात कही थी कि कमलनाथ अगर इस पूरी कार्यवाही को बकवास मानते हैं तो इस्तीफा दे दे, क्या इस एंगल से भी इस पूरे डिसीजन को देखा जाएगा? नहीं, कतई नहीं शुभांगी, इस एंगल से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता इसको,
क्योंकि कमलनाथ ने जो बात कही थी वो बिटवीन द लाइंस बात ये थी कि उन्होंने ये जरूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनने के लिए मैं बैठूं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं निकाला जा सकता था कि उन्होंने सदन विधानसभा की कार्यवाही और विधानसभा में होने वाली चर्चा को बकवास बताया था। हालांकि बकवास शब्द का प्रयोग उनको नहीं करना था, लेकिन शायद जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी बात की कि प्रेशर था उनके ऊपर और नेता प्रतिपक्ष के नाते इस शब्द का प्रयोग, भले ही कांग्रेस ये दलील दे और ये इंटरप्रिटेशन निकाले कि विधानसभा की कार्रवाई के लिए नहीं था, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई के संदर्भ में पूछे जाने पर ही ये उत्तर आया था। लेकिन इसका संबंध उनके नेता प्रतिपक्ष पद से छोड़ने से नहीं है। बीते 26 दिनों में 26 दिनों में 3 बार सोनिया जी से वो मिले हैं और ये निर्णय इसी दौरान हो चुका था। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी का निर्णय प्रतीक्षित है और 1 सप्ताह के भीतर हम एक और ये बड़ा फैसला देखेंगे जिसमें दिग्विजय सिंह जी की किसी यात्रा की घोषणा कांग्रेस काफी जोरदार तरीके से करने जा सकती है। शरद जी, और शरद जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि जिस तरह कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया, आप भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को एक अलग भूमिका में हम देखेंगे लगातार, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ क्या ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी को और मजबूती देना होगा तो पूरा समय कांग्रेस की लगाना होगा? जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता के रूप में समय वहां भी देना होता था, तो क्या इसको भी इससे जोड़ सकते हैं कि 2023 को लेकर दोनों नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक अलग मूड पर नजर आने वाले? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नहीं सुधरोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, ये जो एक शेर है जो आजादी के पहले हिंदुस्तान के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान अगर आपने एक एटीट्यूड नहीं दिखाया तो आप खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने जो पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ जो प्रेजेंटेशन हुआ है, और भले ही प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई और वो कांग्रेस का हिस्सा भी होने की तरफ बढ़े थे, लेकिन कांग्रेस ने उस प्रेजेंटेशन में ये जरूर समझा है कि हमको बेहतर क्या करना है। और उसका सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जितने भी नेता हैं वो फिलहाल अपने तमाम इश्यूज को भुलाकर कांग्रेस के लिए काम करें। और यही वजह है कि देखिए, गोविंद सिंह जो डेस्परेट भी हमको कई बार नजर आए, व्यग्र हुए कई बार कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन बाहर से आएगा, हम भी तो योग्य हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ये कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप अरुण यादव को आप देखें तो अरुण यादव जी फिर कांग्रेस की मुख्य धारा में वापसी करते दिख रहे हैं। अजय सिंह जी के लिए भी किसी भूमिका की घोषणा हो सकती है और दिग्विजय सिंह की यात्रा तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह या 15 दिन के भीतर इसकी भी एक बड़ी घोषणा संभावित है। बिल्कुल शरद जी, एक सवाल जी। मैं ये भी आपसे करना चाहूंगी, जैसा कि पार्टी ने अब भरोसा दिलाया है कि अब गोविंद सिंह विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है वो प्ले करेंगे, गोविंद सिंह को जब आप देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो क्या आप इस पर विचार देना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव हो सकता है जब गोविंद सिंह अब ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे? देखिए, गोविंद सिंह उसी ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं जहां बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को 2019 में लगा था, जबकि यही ग्वालियर चंबल रीजन है जिसने 2018 में कांग्रेस की काफी मदद की थी और सरकार बनाने में कांग्रेस को काफी महत्वपूर्ण योगदान ग्वालियर चंबल रीजन ने दिया था। और कांग्रेस लंबे समय से ढूंढ रही थी कि सिंधिया जी के बाद हम किस नेता को वहां मौका दें। वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 60 पार कर चुके नेताओं में शामिल हैं, वो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और सबसे अच्छी चीज ये है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी छवि एक जुझारू और आक्रामक लीडर की है, तो विधानसभा में उनके तेवर सरकार को भी परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोविंद सिंह से बेहतर च्वाइस मुझे लगता है, ये मेरा अपना मत है, कि कांग्रेस के पास नहीं थी नेता प्रतिपक्ष के लिए। बिल्कुल शरद जी, आपने एक और जिक्र किया कि अब दिग्विजय सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और एक बड़े रोल में भी वो आगे आ सकते हैं, तो क्या वो फ्रंट लाइन में आकर काम करेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है विधानसभा चुनाव में 2023 के लिए, क्या वे फ्रंट लाइन में आकर कार्य करेंगे या पर्दे के पीछे रहकर ही वो अपना समर्थन देंगे और पार्टी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे? दिग्विजय सिंह जी की भूमिका पर्दे के पीछे की इस मायने में होगी कि वो कार्यकर्ताओं को बहुत बेहतर समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बहुत गहरी समझ रखते हैं। और इसी की कांग्रेस को जरूरत है
क्योंकि उनके पास एक अनुभवी नेता के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं, जो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, फंड रेजर भी हैं, मैनेजर बहुत अच्छे हैं, कॉरपोरेट स्टाइल में चीजों को देखते समझते हैं, अनुशासन से काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को समझा मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बीजेपी को बहुत गहराई से समझा, ऐसे नेता की जरूरत थी। और यहाँ कमलनाथ अकेले पड़ते हुए दिखते थे, तो दिग्विजय सिंह जी जनसभाएं संबोधित नहीं करेंगे, वो रैलियों को संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि यही भूमिका उनकी 2018 में थी। लेकिन पर्दे के पीछे वो ये पूरा फीडबैक जुटाएंगे कमलनाथ जी के लिए कि किसको टिकट देना है, क्या नाराजगी के मुद्दे हैं, किस कार्यकर्ता को कैसे मनाया जा सकता है, कहां पर क्या क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको प्लस कैसे किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर दिग्विजय सिंह एक बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल शरद जी, धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए, देखिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, अब जिस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को, तो हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का ये बड़ा फैसला क्या एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सकता है? क्या इसे हम रणनीति कहेंगे कांग्रेस की? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही सीनियर लीडर है, कमलनाथ भी और गोविंद सिंह भी। यदि गोविंद सिंह को ये जिम्मा दिया गया है, जैसा शरद जी भी बता रहे थे, चंबल ग्वालियर कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और लगातार उनके स्वर कुछ अलग दिखाई दे रहे थे, तो उनको साधना भी जरूरी था। और ये कहा जाए कि कांग्रेस की मजबूरी भी इसको कहा जाएगा कि गोविंद सिंह को यदि वो छोड़ते तो फिर लगातार उनकी तरफ से कई तरह के बयान दिए जा रहे थे। बहुत ही सोच समझनी रणनीति के साथ ही कांग्रेस इसमें आगे बढ़ी है। पर बड़ी बात ये जरूर है कि कमलनाथ ने यदि इस्तीफा दिया है, जैसा आपने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने ये नहीं कहा था कि उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कभी विधानसभा अध्यक्ष कह भी नहीं सकते। पर इतना ज़रूर है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़ा किया था उनकी कार्यशैली को लेकर, उनका जो बयान आया था, उसके बाद ऐसी खबरें ज़रूर आ रही थी कि वो भी कहीं ना कहीं मन से दुखी थे, क्योंकि कमलनाथ जी साफगोई से अपनी बात रखते हैं और अब वो समझ रहे हैं कि यदि मेरे पास सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जिसकी जरूरत है 2023 में कैसे बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करें, दिग्विजय सिंह और वो मिलकर, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, शरद जी भी वही कह रहे थे कि वो फील्ड पर निकलने वाले हैं, उन्होंने कहा दशहरे के बाद मैं दिखाई दूंगा, जब संगत में पंगत करते हुए नजर आऊंगा। आज भी दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, तो उसमें किस तरह से अब जो उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं कांग्रेस पर, तो पूरी कांग्रेस जिला लेवल पर मैदान। मनोज जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। सज्जन जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। आखिरकार गोविंद सिंह होंगे नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ जी ने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या ये माना जाए कि अब कमलनाथ जी पूरी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते और पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी था कांग्रेस में, और ये सुखद स्थिति है कि कद्दावर नेता गोविंद सिंह जी, जिन्हें बड़ा अनुभव है सदन चलाने का, प्रक्रियाओं का बड़ा गहरा अध्ययन है, तो ये थोड़ा ठीक स्थिति बनी है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो के दोनों नेता अलग अलग दिशाओं में घूम के कांग्रेस के लोगों की मदद करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो क्या कुछ, जैसा आप लगातार कहते रहे सज्जन भाई, तो क्या कुछ और भी परिवर्तन होते कांग्रेस में दिखाई देंगे? क्योंकि यार बड़ा निर्णय है, कमलनाथ जी ने अपने पास से त्यागपत्र दे दिया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने भी कुछ सवाल खड़े किए थे, उसको अलग दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन क्या ये माना जाए कुछ और भी परिवर्तन होते अब दिखाई देंगे जल्द कांग्रेस में? देखिए, ये थोड़ा एक सिलसिला चालू हो गया है। अभी आपने देखा कल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, परसों एक और स्टेट के अध्यक्ष बदले गए, और आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हुआ, तो कई निर्णय होना अब बाकी हैं। और मैं समझता हूं कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके सामूहिक टीम नेतृत्व की फार्मूले को मान के यदि काम करेंगे, बहुत सारे हाथों को जवाबदारी देके काम सौंपा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हम 2018 से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में कांग्रेस रहेगी 2023 की चुनाव। दिग्विजय सिंह भी अभी कह रहे हैं कि मैं निकलने वाला हूं और जैसा संगत में पंगत किया उसी तरह फील्ड पर नजर आने वाला हूं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी क्या 2023 की तरफ बढ़ चली? देखिए, उस समय 2018 में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया
इन लोगों की टिकड़ी ने एक अच्छा माहौल बनाया था। अब चूंकि सिंधिया जी चले गए हैं तो दिग्विजय सिंह जी की जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है कि कमलनाथ जी के साथ में घूम के वो चूंकि पूरे प्रदेश का भौगोलिक सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान है दिग्विजय सिंह जी को, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी यदि उस सड़क खेतों तक जाए तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी का दबाव तो काम नहीं आया कहीं, नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना, जैसा बीजेपी अब कहेगी यही बात कहेगी कि हमने दबाव बनाया उनके बयान को लेकर और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे। कांग्रेस अपना निर्णय खुद लेती है, बीजेपी जैसी पार्टियों के कहने से भी निर्णय होने लग जाएंगे तो उस दिन तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र ही मर जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक मजबूत और वजनदार पार्टी है, इतिहास गवाह है। कांग्रेस ने जो इस देश की सेवा की और जो दिया है निश्चित रूप से वो कोई भी दल नहीं कर पाया। मोदी तो मतलब धूल भी नहीं है बीच कांग्रेस की। हेलो हेलो जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और समझ सकते हैं आप जिस तरह से शुभांगी कह रहे हैं सज्जन वर्मा भी कि कांग्रेस में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा हरियाणा से कुमारी सैलजा ने इस्तीफा दिया, वहां नए अध्यक्ष को बनाया गया है। इसी तरह आज हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से विपक्ष के नेता के रूप में कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे। दिग्विजय सिंह और उनकी जोड़ी दिखाई देती रहेगी, पर बड़ी बात यही है आज के त्यागपत्र देने के बाद कि गोविंद सिंह अब विपक्ष के नेता होंगे। और यदि गोविंद सिंह विपक्ष के नेता होंगे तो चंबल ग्वालियर को साधने का प्रयास किया है कांग्रेस ने। दूसरी तरफ कमलनाथ अब एक अलग बोर्ड पर यानी पूरी तरह प्रदेश कांग्रेस की भूमिका में नजर आएंगे। और जो बूथ मजबूती की बात कही जा रही है कैसे पार्टी को बेहतर किया जाए, खबरें ये भी है कि हर जगह कई युवाओं को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है जो बिल्कुल मनोज जी हम सीधा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से गोविंद सिंह के निवास पर सभी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए।